भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल, इस नाम को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं इनके बेटे सज्जन जिंदल के बारे में, जिन्होंने अपनी खुद की जगह और पहचान एस्टैब्लिश की और ये इंडिया के मोस्ट फेमस एंटरप्रेन्योर में से एक है। आइए जानते हैं इनके सफर के बारे में इस वीडियो में। आगे सज्जन जिंदल का जन्म 5 दिसंबर 1959 को हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1982 में एक स्टील प्लांट से की थी और आज ये देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी JSW स्टील के कर्ता धरता है। JSW ग्रुप फिलहाल $12 बिलियन की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप कंपनी है जो कि मुंबई में है। सज्जन जिंदल को बचपन से ही कारोबार में काफी रुचि थी और अब करेंटली ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी JSW स्टील लिमिटेड को संभालते हैं और JSW स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपको बता दें कि ये कंपनी करीब 1,80,000 करोड़ की है, लेकिन सिर्फ JSW स्टील लिमिटेड ही नहीं बल्कि ये JSW ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। JSW ग्रुप का कारोबार स्टील के साथ साथ माइनिंग, स्पोर्ट्स, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर बिजनेस में भी फैला हुआ है। वहीं JSW एनर्जी, टाटा पावर, अडानी पावर और रिलायंस पावर के बाद चौथे पोजीशन पे आती है। सज्जन जिंदल की नेटवर्थ का खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ इन्होंने 12 स्टॉक्स में पैसे जरूर लगाए हैं जिनकी वैल्यू इस समय 39,263 करोड़ रुपए के आसपास है। इन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ली है और इसकी पढ़ाई इन्होंने रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर से की। इन्होंने संगीता जिंदल से शादी की और ये ना सिर्फ इनकी लाइफ पार्टनर है बल्कि प्रोफेशनल पार्टनर भी है। सज्जन जिंदल को बिजनेस के साथ साथ फिटनेस का भी काफी शौक है और अपनी फिटनेस का खास ख्याल भी रखते हैं, लेकिन आजकल ये चर्चा में अपनी डील्स या कामयाबी से नहीं बल्कि इन पर लगे रेप के आरोप से है, जिस वजह से ना सिर्फ इन्हें बल्कि इनकी कंपनी JSW ग्रुप को भी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है और झेलना पड़ भी रहा है। इनकी कुछ कंपनीज के शेयर प्राइसेस में 1-2% की गिरावट भी देखी गई। आपको बता दें कि इस केस के ऊपर सज्जन जिंदल ने एक बयान भी दिया जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे इस आरोप को सरासर झूठा और बेबुनियाद बताया है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।